गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर बदलती सोच चैरिटी फाउंडेशन की टीम द्वारा ग्यारसपुर की जुग्गी में एक और निःशुल्क शिक्षा केंद्र की शुरुआत की गई, जहां 150 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। बदली सोच का उद्देश्य केवल बच्चों की बुनियाद को मजबूत करना और इसी के साथ बदलती सोच उतर चुकी है। यह नंबर 7 स्लम की क्लास है। अभी के टाइम में 1000 से ज्यादा बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जा रही है। बदलती सोच में विपुल कुमार, चंद्रकेतु मिश्रा और बदलती सोच की पूरी टीम, जिसमें शिवम, श्रीराम, महंत द्विवेदी, लोकेश राज, सब लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ये स्वयं सेवक दैनिक मलिन जुग्गियों में जाकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सारे स्वयंसेवक खुद भी पढ़ रहे हैं, इनको प्रशिक्षण दिया जाता है। उम्मीद है बदलती सोच ऐसी लगातार अपना योगदान समाज में शिक्षा की क्रांति लाने में करेगी, क्योंकि शिक्षा ही सभी समस्याओं का समाधान है। बदलती सोच में ओबेद या विवेक, जो बदलती सोच के स्तंभ है, उनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नहीं देखिए, कोचिंग नहीं कहेंगे इसको हम प्रॉपर, देखिए कोचिंग वो होता है जो आर्थिक रूप से किया जाता है, इकोनॉमिकली किया जाता है। ये जो है एक तरीके से हमारा सामाजिक कार्य है, जिसमें हम समाज के विभिन्न तबकों के पास, विभिन्न वर्गों के पास, और जगह जगह पर हम वहाँ जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता है, वहाँ जाकर हम गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। अब शिक्षा का मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि जो हम मैथ, साइंस, इंग्लिश वैसा वाला नहीं करते हैं, वो अलग पार्ट होता है। हम बच्चों की बुनियाद को मजबूत करते हैं। आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ समस्त भारतवासियों को। देखिए, आज़ादी की बात करते हैं, आज 73 साल संविधान के हो गए, 75 साल आज़ादी के हो गए, आज़ाद हुए हमें 75 साल हो गए, लेकिन अभी भी हम मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हुए हैं। आज़ादी हमें मिल चुकी है, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा पद्धति में आज भी हम विलुप्त हैं। संविधान के अनुच्छेद में, अनुच्छेद 21A में राइट टू एजुकेशन के बारे में बात की गई, शिक्षा का अधिकार। मानव अधिकार में UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 26 में मानव अधिकार में क्या गया, शिक्षा पाना हमारा मानव अधिकार है। इवन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में भी लिखा है कि राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि 6 से 14 साल तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दे। बट मेरा सवाल ये है, आज की डेट में दुर्भाग्य इस बात का है कि शराब के ठेके खुले हुए हैं, लेकिन स्कूल आज 3-4 साल से बंद है। तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके से बच्चों की जो बुनियाद है, बच्चों ने जो सीखा हुआ है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऑनलाइन क्लासेस सबके लिए सक्सेसफुल नहीं है। देखिए, ये जो है अभी हम लोगों ने 6ठा कोचिंग सेंटर ये खोला है, निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया था हम लोगों ने, और हम लोगों का सिर्फ यही रहा है कि जितने भी स्लम हैं दिल्ली में, देखिए बड़े लोगों के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं। हम लोगों का पूरा पूरा फोकस रहा स्लम पे, कि झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं उनके पास पैसे कम हैं, उनको शिक्षा दिया जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीन तरह के मुद्दे पर हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहला बहलोलपुर में खोला। बहलोलपुर में शिक्षा मुझे लगता है 6 से 7 महीने हमारे हो चुके हैं वहाँ के कोचिंग सेंटर के। वहाँ के बच्चे अगर हम प्राइवेट स्कूल और यहाँ वाले में कंपेयर करके देखते हैं, दोनों ट्यूशन की बात करते हैं, तो हमारे ये जो बच्चे हैं ये उन प्राइवेट वाले से लाख गुने अच्छे हैं पढ़ाई के मामले में, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इतना अच्छा बना हुआ है कि जिसके लिए, मतलब आप ये मान के चलें कि सबसे अच्छा मेरा अभी एजुकेशन सिस्टम है। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।